नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी क्लास में। आज हम अपने HPGK की सीरीज का 13th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको हिमाचल प्रदेश के संग्रहालय यानी म्यूजियम्स के बारे में बताऊंगा, और फिर हम पहाड़ी चित्रकला को देखेंगे, और लास्ट में हम हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्य और लोक नृत्य को देखेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम हिमाचल प्रदेश में मौजूद संग्रहालय को देखते हैं। इसमें जो आपका पहला आता है वो है भूरी सिंह संग्रहालय। ये आपका चंबा में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो भूरी सिंह जो आपके चंबा के राजा थे उनके द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1908 में। इसमें आपकी जो कांगड़ा और बसौली शैली है उसकी कलाकृतियाँ रखी हुई है जो आपका ये भूरी सिंह संग्रहालय है। सेकंड है आपका नगर आर्ट गैलरी। ये आपकी कुल्लू में स्थित है, कुल्लू के नगर स्थान पर। इसकी जो आपकी स्थापना की गई थी वो निकोलस रोरिक द्वारा की गई थी। और जो आपके निकोलस रोरिक थे ये रशिया के रहने वाले थे, ये रशिया से आए थे हिमाचल में, और इन्होंने हिमालय पे टोटल 7000 पेंटिंग्स बनाई थी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है कि आपके जो निकोलस रोरिक थे वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, तो आपका आंसर होगा रशिया। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक भी लिखी है जिसका नाम है द अबोड ऑफ लाइट। ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है निकोलस रोरिक की, जो कि रशिया को बिलोंग करते हैं। और जो आपकी नगर आर्ट गैलरी है इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं। थर्ड है आपका अंद्रेटा आर्ट गैलरी। जो आपकी अंद्रेटा आर्ट गैलरी है वो कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा के अंद्रेटा स्थान पे स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपकी नोरा रिचर्ड्स द्वारा की गई थी। जो आपकी नोरा रिचर्ड्स थी ये आयरलैंड की रहने वाली थी और आयरलैंड से हिमाचल प्रदेश में आई थी। यह आपकी शोभा सिंह की पत्नी भी थी। जो आपके शोभा सिंह हैं इन्हीं की पेंटिंग्स इस अंद्रेटा आर्ट गैलरी में रखी हुई है, और इस आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी कहते हैं। जो आपके शोभा सिंह थे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग मैं आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक है आपकी सोनी महिवाल और कांगड़ा ब्राइड। ये इनकी दो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, सोनी महिवाल और द कांगड़ा ब्राइड। फिर जो आपके ये नोरा रिचर्ड्स थे ये आयरलैंड को बिलोंग करते थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है जिसका नाम है कंट्री लाइफ। ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है आपके नोरा रिचर्ड्स की, और जो आपका अंद्रेटा आर्ट गैलरी से शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी कहते हैं। फोर्थ हम देखते हैं स्टेट म्यूजियम। ये आपका शिमला में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1974 में हुई थी। फिफ्थ आपका जनजातीय संग्रहालय। ये आपका केलांग में स्थित है, केलांग आपका लाहौल एंड स्पीति में है, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 2006 में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय थे आपके हिमाचल प्रदेश की। पहला था भूरी सिंह संग्रहालय, सेकंड है आपका नगर आर्ट गैलरी जिसे आपका रोरिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं, थर्ड है आपका अंद्रेटा आर्ट गैलरी जिसे आपका शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी कहते हैं, फिफ्थ है स्टेट म्यूजियम जो कि आपका शिमला में स्थित है, और लास्ट है आपका जनजातीय संग्रहालय जो आपका केलांग यानी लाहौल स्पीति में स्थित है। चलिए अब हम हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकलाओं को देखते हैं। इसमें आपकी पहली आती है बसौली शैली। ये जो आपकी शैली है वो जम्मू से हिमाचल प्रदेश में आई, और जो इसका विकास हुआ था वो राजा कृपाल सिंह के समय में हुआ था, और ये शैली हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी शैली भी है। मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से तो इन्हीं में से किसी पॉइंट से बनेगा। चलिए हम अगली देखते हैं। अगली है हमारी कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली है इसकी जो जन्मदाता माना जाता है वो गुलेर शैली को माना जाता है। जो आपकी गुलेर शैली थी वही बाद में जाके कांगड़ा शैली कहलाई, और ये शैली आपकी समृद्धि में गई थी राजा संसार चंद के समय में। जो आपके राजा संसार चंद थे वो कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा भी थे और बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं आपके कांगड़ा के। फिर जो आपके संसार चंद थे इन्होंने सुजानपुर टेरा को एक प्रमुख केंद्र बनाया था आपका कांगड़ा शैली का। फिर जो आपकी ये कांगड़ा शैली है ये माना जाता है कि सेऊ आपके जो वंशज थे उनकी देन है। सेऊ के दो बेटे थे मनकू और नैनसू जो पहाड़ी चित्रकला में बहुत ही प्रसिद्ध थे। फिर आपकी थर्ड है चंबा कलम। चंबा शैली बोल दो या चंबा कलम बोल दो, जो आपकी चंबा कलम है उसका जो विकास हुआ था वो आपका राजा राज सिंह के समय में हुआ था,
और निक्का जो आपके निक्का थे ये आपके चंबा जो कलम है इसके प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। अब जो हमारा लास्ट पार्ट रहता है उसमें हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक गीत। इसमें आपको स्टेट स्टेट है आपको पता होना चाहिए कौन सा लोक नाट्य कहाँ होता है, तो इसमें कोई रट्टा लगाने की टेक्निक नहीं है, जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उतना ही पता लगेगा। तो ये ऐसी चीज़ें इनको बार बार देखना पड़ता है वरना भूल जाते हैं। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोक नाट्य देखते हैं। आपका सबसे पहले आता है करियाला, ये आपका शिमला में होता है। फिर आपका स्वांग, ये आपका बिलासपुर में होता है। थर्ड है आपका बांटड़ा, ये मंडी में। फिर फोर्थ है भागतू, ये कांगड़ा में। और फिफ्थ है झांकी और हाथेर, ये आपका चंबा में। और सिक्स्थ है चंद्रोली, कांगड़ा में। तो ये डायरेक्ट ही है, इसमें बस आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी याद रहेगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कुछ भी, जैसे आपका एग्जाम में आ रखा है कि मोहना लोकगीत कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा बिलासपुर। फिर हम लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य में आपका पहला शिमला के देखते हैं। शिमला का है आपका है ठोड़ा, ये आपका जो कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर है। फिर आपका छोरा, ये आपका मासू में मनाया जाता है शिमला के। फिर आपका सिरमौर है, सिरमौर में आपका नाटी, झूरी, बूढ़ा और बिट्सू। थर्ड है आपका कुल्लू, कुल्लू में आपका कड़थी और रुचका। फोर्थ है आपका चंबा, चंबा में आपका झांझर और चुराई। फिफ्थ है आपका किन्नौर, किन्नौर में आपका कयांग, बकयांग, राक्षस नृत्य छम। और लाहौल स्पीति में शांत, शाबू और लंगदरमा। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ रखा है कि कयांग बकयांग लोक नृत्य कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा किन्नौर में। फिर हम लोकगीत देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। चंबा में आपका होता है कुंजू चंचलो, जो एक आपका प्रेम गीत है। फिर आपका राजा गदन, ये आपका संसार चंद के ऊपर है, जो आपके कांगड़ा के राजा थे। फिर आपका सोही गीत, ये आपकी जो चंबा की रानी थी नैना देवी, उनके बलिदान के ऊपर एक गाना है यानी गीत है। फिर नुआला, इसमें आपके जो गद्दी लोग हैं वो शिव की पूजा करते हैं। सेकंड है आपका बिलासपुर, इसमें आपका जो लोकगीत है वो है मोरना और झुनझुटी। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको आज की क्लास हमारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग ले सकते हैं। थैंक यू।